alaikum third year. I hope you all are fine and enjoying your vacations along with your studies. Finally I managed to make a video. Uh, so in this video you are going to learn the analysis, the story structure, what is the story about and uh, what are the major themes of the story and uh, what is the character analysis. The major motive and uh, themes that underlie the Text of the story. So, uh, watch the video till the end and don't skip any moment because uh, I couldn't make the notes of important quotations. I'll speak it verbally so that all the students may write it down in their notebooks. Before moving to the story, uh, I just want to give you a little introduction of this channel. This is English Language and Learning by Professor Humaira. You can subscribe and share with others as well because under this crisis crisis and crucial situations of uh, lockdown nobody can manage uh, nobody can manage online classes as um, in colleges and nobody can also manage tuition classes so this is a free opportunity for all of you uh, you can share the videos obviously the students who can download it download it and share with others as well and so the anybody can get benefit from it so let's get started uh, in this video we will discuss the main theme the important quotations and the character analysis obviously this story is uh, just moving around the character of uh, a very beautiful lady matilda that is uh, literally called as mrs loisel द स्टोरी बेसिकली डील्स विद द temptation टेम्पटेशन टू आउटशाइन एंड limitations लिमिटेश जो है इतनी वर्ल्ड टेम्पटिंग है इतनी टेम्पटेशन है आउटसाइड और फिर जो है हमें अपनी लिमिटेशंस को डिटामन करनी होती हैं हमारी हदूद क्या हैं उन हदूद के अंदर रहते हुए हमने कितना अटैम्प्ट होना है और कितना उस तरफ जाना है अगर हम अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं और ज्यादा अटैम्प्ट हो जाते हैं सो आर लाइफ विल बी रॉइंड जैसे मैटल्डा खुद कहती है कि देर इज अ वेरी नैरो मार्जिन बिटवीन सेफ्टी एंड डिजास्टर कि ये टेम्पटिंग वर्ल्ड है और इस साइड पे आपकी लिमिटेशंस हैं जो आपको बता रही हैं कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते अगर आप उस लाइन को क्रॉस करते हैं तो आपका डिजास्टर है और उस लाइन से इधर ही रहते हैं लिमिटेशंस के अंदर तो आपकी सेफ्टी है दिस इज द बेसिक मोटिव ऑफ दिस स्टोरी जो हमें ये बताना चाहती है कि हमारी लिमिटेशन और टेम्पटिंग वर्ल्ड में एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है जो डिटर्मन करती है कि अगर हम अंदर रहते हैं तो वी आर एट सेफ साइड एंड इफ वी ए क्रॉस इट वी आर एट डिजास्टर आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आई होप ये पॉइंट आपको समझ भी आ गया होगा सो so, स्टोरी जो है दैट टेक्स प्लेस मेजरली एट मेटेल्डाज हाउस एंड पार्शली एट मिनिस्टर्स हाउस इसमें हमारे पास जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है मेटेल्डा लॉइजल लॉइजल एंड मैडम फॉरेस्टियर जो मेटेल्डा है वो शी वज़ बॉर्न फॉर ब्यूटी शी वज़ बॉर्न फॉर एवरी थिंग उसे लगता था कि वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ों के लिए बनाई गई है और विद द स्ट्रोक ऑफ बैड फॉर्च्यून वो एक क्लर्क के घर पैदा हो गई है कि ये किस्मत की बदकिस्मती है फेट की कि वो एक क्लर्क के घर पैदा हुई है हालांकि तो वो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस अच्छे अच्छे ड्रेसेस अच्छे अच्छे फ्रॉक्स और बहुत कुछ डिज़र्व करती थी लेकिन वो उसे नहीं मिला है तो उसके अंदर वैनिटी बहुत ज्यादा है सेल्फ पोजेशन सेल्फ एप्रिसन बहुत ज्यादा है कि वो खुद पसंद हो चुकी है सेल्फ कॉन्सीटेड उसकी नेचर हो चुकी है और वो अपनी लिमिटेशंस भूल जाती है देन जो है, जैसे कि स्टार्ट ही इस लाइन से हमारा होता है कि वो उन खूबसूरत और बहुत ही चार्मिंग लेडीज में से थी जो विद द फॉर्च्यून ऑफ बैड लक दैट आर बॉर्ड इन अ क्लर्क फैमिली तो इतनी वो सेल्फ कंसीटेड हो चुकी है कि शी ड नो इवन हर कि उसकी लिमिटेशन क्या हैं बट शी इज वेरी टेम्पटेड आउटशाइन वर्ल्ड दैट इज शाइनिंग चार्मिंग एंड चार्मिलिशियस वो उसको वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ऑबियसली जब आप हद से ज़्यादा गरूर करना शुरू हो जाते हैं यू बिकम प्राउड इन योर सेल्फ यू फील प्राउड इन योर सेल्फ तो उसका एक फॉल भी आता है और फॉल इसका जो मेजरली आया है वो डेस्टिनी की वजह से आया है फेट की वजह से आया है किस्मत भी ऑब्वियसली जब आप जो हैं अपनी लिमिटेशंस और लाइंस देखते हुए चलते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है लेकिन जब आप भूल जाते हैं तो फिर किस्मत भी आपको भूल जाती है और इसका जो मेन थीम है वो यही है कि आर लाइव्स आर डिटर्मन बाय द ब्लाइंड डेस्टिनी अ मेयर स्ट्रोक ऑफ गुड और बैड फॉर्च्यून कैन चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ अ मैनज लाइफ एक जो छोटा सा किस्मत बदकिस्मती या खुशकिस्मती है वो हमारी जिंदगी को बदल देता है अब ये जो पूरा पॉइंट है ये तकदीर को बता रहा है डेस्टनी को फेट को और इंसान जो है ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर हेल्पलेस बिफोर डेस्टनी इट मीन्स दैट नो इट डजन मीन एट ऑल दैट इसको देख के हमने ये नहीं समझ लेना कि जो इंसान है वो बेबस है वो कुछ भी नहीं कर सकता दे कैन डू वो कर सकती थी वो अपनी लिमिटेशन जो है उसने खुद क्रॉस की तो फिर उसे लगा कि डेस्टनी इज नॉट गोइंग टू फॉर किस्मत ने फिर उसे नहीं बख्शा उसका साथ नहीं दिया देन जो है हम अगर इसकी की तरफ आए तो हमारे पास फर्स्ट वन जो है दैट इज लाइक दिस के जब एंड पे मेटेल्डा की फ्रेंड उसे मिलती है और उसे कहती है ओ माई पुअर मेटेल्डा माइन वर फॉल्स दे वर नॉट वर्थ आवर फाइव हंड्रेड फ्रेंक्स कि दस साल गुजरने के बाद उसे फ्रेंड मिलती है और बताती है कि मेरे जो थे वो तो थी कॉपी वो तो नकली थे वो तो ओरिजिनल थे ही नहीं प्योर थे ही नहीं तो ये एक नकली जो है जो ऊपर ऊपर से चमक रहा था फॉल्स था जिसे कहते हैं ना अपेयरेंसेज आर ऑफ एंड तो इतनी ऊपर से चमकदार चीज़ जो उसने एक मोमेंट के लिए पहनी ख़ूबसूरत लगने के लिए एक नाइट के लिए उसकी उसे कितनी हैवी प्राइस पे करना पड़ी द ब्यूटिफुल टेन यर्स ऑफ हर लाइफ हर मैरिज हर मैरिड लाइफ दे आर रॉइंट दे आर डिस्ट्रॉयड शी कूडन एन्जॉय हर मैरिड लाइफ ड्यू टू दिस क्राइसिस तो ये उसका एक फॉर्च्यून का बैड लक था जो उसने um, लाइक चमकती हुई दुनिया एक चार्मिंग वर्ल्ड को इंजॉय करना चाहा एट द सेक ऑफ बारो एट द ऑफ लोन तो उसको उसकी कीमत इस सेंस में चुगाना पड़ी तो उसके प्रेसियस लाइफ जो हैं उसने थर्टी सिक्स थाउजेंड डॉलर फ्रैंक्स में उसको लिया और फिर वो पे करने में उसको बहुत टाइम लगा वो सिर्फ फाइव हंड्रेड फ्रैंक्स का था जो वो उसी वक्त भी दे सकते थे देन जो है मेटेल्डा की फ्रेंड जब उसे मिलती है तो उसे पहचानती ही नहीं है बट मैडम आई डो नॉट नो यू मस्ट बी मिस्टेक नो आई एम मेटेल्डा लॉयजल हर फ्रेंड अट अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट ओ माई पोअर मेटल्डा हाउ यू हैव चेंज ना सिर्फ वो एज वाइज दस साल बड़ी हुई है बल्कि उसकी जो फिजिकल अपेरेंसेज दैट सो ब्यूटिफुल सो अट्रैक्टिव सो चार्मिंग वो भी चेंज हो चुके हैं और वो भी अग्लीनेस में चेंज हो चुके हैं उसकी जो ब्यूटी थी that was not everlasting the things that we do for the good of humanity that are everlasting usne itna bada lesson khud seekha hai and that is left for others a big lesson indeed jo usne 10 years apne beautiful day ke to hasil kiya hai तो ये lesson वो कैसे हासिल करती? अगर ये ऐसा कुछ ना होता तो life is a great teacher if you think it is a teacher तो she has life has taught her a very big lesson Then, जो है फर्स्ट कोटेशन है शी वॉज वन ऑफ प्रिटी चार्मिंग लेडीज बॉर्न एज इफ दो एन एर ऑफ डेस्टनी इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्कस अगर हम इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें तो ये हमें शो करता है कि जो पर्सनैलिटी और कैरेक्टर था मेटल्डा का वो ऑब्वियसली एक पुअर फैमिली में पैदा हुई गरीब खानदान में पैदा हुई लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी एंड शी वाज़ डिससेटिस्फाइड फ्रॉम हर लिविंग शी वाज़ डिससेटिस्फाइड फ्रॉम हर स्टेटस जो उसे लगता था कि वो गलती से यहाँ पैदा हो गई है तो डिससेटिस्फेक्शन लीड्स टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन देन जो मेटल्डा खुद बैठ के कहती है हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस हाउ स्मॉल अ थिंग विल रॉइन और सेव वन ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है शुरू में यही स्टोरी का मेन थीम है कि ज़िंदगी कितनी अजीब चीज़ है हमें नहीं पता होता कि नेक्स्ट मोमेंट हमारा जो है वो हमारी कामयाबी का होगा या नाकामी का होगा चीज़ें कितनी बदल जाएंगी तो एक और बात यह है कि हम ये समझ के पढ़ के ये ना खुदा हाँसा ना सोचना शुरू कर दें कि लाइफ जो है वो तो है ही ऐसी हमें तो पता ही नहीं है कब बदल तबाह होना है और कब कामयाब होना है तो हम चुप करके बैठ जाए नो हमारे जो एक्शंस होते हैं हमारे जो वर्ड्स होते हैं हमारे जो थॉट्स होते हैं वो डिटर्मन करते हैं कि हमें किस्मत क्या देगी हमें लाइफ क्या देगी सो वी शुड बी सेटिस्फाइड वट वी हैव वी शुड बी कंटेंटेड वी शुड नॉट बोस्ट ऑफ आर ऑन सेल्फ हमें बहुत ज्यादा प्राइड की तरफ नहीं जाना चाहिए सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए हमें अपनी लिमिटेशंस और वर्ल्ड के दरम्यान एक लाइन जो है उसे हमेशा याद रखना चाहिए विल बी एट द सेफ साइड इनशाला नेक्स्ट लेसन